अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं समीर सैयद नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं रेती बंदर के शिवसेना कार्यालय के पास में, जहां पर जो है आज एजाज खान पठान जिनका मुस्लिम संघ के शहर प्रवक्ता हैं, उनका आज जन्मदिन था। और बताया जाता है कि उन्होंने अपने इस जन्मदिन पर उन्होंने शिवाजी हॉस्पिटल में 150 लोगों को अनाज और फल वितरण किया। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन में किसी गरीब की मदद की है और किसी भूखे का पेट भरा है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि अपने जन्मदिन पर जो है लोगों की इसी तरह की मदद करते रहेंगे। जन्मदिन पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने जन्मदिन पर लोगों को ये संदेश दूंगा कि दूसरों की मदद करें और जो गरीब गुरबा है जितना हो सके उतना मदद करें दूसरों की, और कौम मिल्लत का काम करते रहे। और ये बोलूँगा, ये जो मेरा इतना बेहतरीन हमारे सब साथियों ने बर्थडे बनाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई, आप तो पहले से ही मशहूर हैं, जो है जितने भी आपके दोस्त पढ़ते हैं जिनके भी हुए हैं उनको आपने जो अपनी शेर शायरी से नवाजा है, तो एजाज भाई के लिए आपने कौन सा शेर जो है आज के दिन में चुन के रखा हुआ है? सबसे पहले जो हमारे शिवसेना मुस्लिम संघ के युवा नेता हैं, मुमरा शहर संगठक हैं, एजाज खान पठान साहब, मैं उनको जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको उम्र दराज करे और दुनिया की तमाम खुशियाँ उनकी झोली में डाल दे। मैं उनके ऊपर एक शेर अर्ज करता हूँ कि खुलूसो प्यार का मोती लुटा के चलते हैं, सभी को अपने गले से लगा के चलते हैं, किसी को हो न सका जिसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलते हैं। तो आज जो है उनके बर्थडे के मौके पर जो है शिवाजी हॉस्पिटल में तमाम मरीजों को जो है तकरीबन मैं समझता हूँ 15,000 के फलों का वितरण किया गया है और इसी के साथ जो है 100 से 150 गरीबों को जो है अनाज बांटा गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे जन्मदिन के मौके पर जो तमाम फिजूल खर्च करते हैं लोग, मगर अच्छी जगह पे नेक कामों में खर्च करने का जो इन्होंने अच्छा कार्य किया है, मैं उनके लिए जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। एजाज खान पठान साहब हमेशा से जो है शिवसेना मुस्लिम संघ के बहुत तेज तर्रार नेता रहे हैं। आज हमारे अध्यक्ष महोदय जो अनवर कच्छी साहब वो मौजूद नहीं, वो गुजरात गए हुए हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी कि हम उनको जो उनका जो है बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो मैं एक बार फिर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, एजाज खान साहब पठान को। और इसी के साथ जो है तहजीब निज़ामी साहब से ज़रा आप थोड़ा भाई आप क्या कहेंगे एजाज भाई के बर्थडे के शुभ अवसर पर? सबसे पहले तो मैं एजाज खान पठान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जन्मदिन का, और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनकी उम्र में इजाफा करे और अल्लाह पाक उनको तरक्की करे। और इसी के साथ मतलब जिस मुस्लिम संघ से जुड़े हैं और उनको आगे चल के इसमें काम करने की तौफीक अता करें। जन्मदिन के शुभ अवसर पर सबने अपनी अपनी जो है बातें रखी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एजाज भाई को अपने दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ, उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे वो काम कर रहे हैं मुमरा के लिए और काफ़ी लोगों के लिए, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुस्लिम संघ में आकर, वो तो ऐसे ही वो अच्छा काम करते रहे, उनका बहुत नाम है हमारी पार्टी में भी। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि ऐसे ही वो काम करते रहे और आज मेरी खुशकिस्मती है कि उनके जन्मदिन पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ उनको जन्मदिन की मुबारक देने के लिए, और अल्लाह उन्हें इज़्ज़त अफजाई से। उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन्होंने जो मैसेज दिया है जो गरीबों को मदद करने का, वो आगे लोगों में वो पैगाम जाए, तो उसके लिए ये पैगाम आगे जाए तो इनके ज़रिए ये आपसे मैं वो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप आगे बढ़ाएंगे पैगाम को।